Hello dear students, so today's unit is unit 8 and there's a poem in this unit and what is the name of the poem? What's in the mailbox? इसका मतलब है मेल बॉक्स जानते हो आप, ये होता है लेटर बॉक्स होता है जो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम मेल बॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस आज, सो लेट्स डू विद मी। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 or 3 दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर फॉर मी। I am going to write some letters though, that's what I am going to do and then my friends will answer me and I'll get letters too. ठीक है, सो ये पोयम है आपकी मेल बॉक्स। अब देखो मेल बॉक्स बताया ना, तो ये होता है मेल बॉक्स। इसके अंदर क्या होते हैं आपके, लेटर्स होते हैं लेटर्स होते हैं। और लेटर्स हम तक कौन लेके आता है? पोस्टमैन। ठीक है, कौन लेके आता है हमारे तक? पोस्टमैन लेके आता है। सो मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम, जब कभी भी क्या होता है हमारे घर पे पोस्टमैन आता है तो वो क्या लेके आता है हमारे घर पे? विद लेटर्स 2 or 3, या वो हमारे लिए 2 या 3 क्या लेके आता है? लेटर्स लेके आता है। ठीक है, दे आर फॉर माई मदर एंड माई डैड। ठीक है, तो वो लेटर्स जो होते हैं या तो वो मेरी मम्मा के लिए होते हैं या वो मेरे पापा के लिए होते हैं, बट नेवर फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए कभी नहीं होते। ये कौन बोल रहे हैं, ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? ये छोटी सी बच्ची बोल रही है। ठीक है ना, अच्छा तो ये क्या सोचती है कि अब क्या करूं? आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, देखो मैं अब क्या, ये बच्ची बोल रही है अब मैं क्या करूंगी, कुछ क्या करूंगी, लेटर्स लिखूंगी ताकि, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डू। तो यही चीज़ है जो मैं अब क्या करने जा रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, मैं कुछ क्या करूँगी, लेटर्स लिखूंगी एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी। और मैं किसके लिए लेटर्स लिखूंगी? अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर लिखूंगी। तो अगर मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर लिखूंगी तो वो मुझे क्या करेंगे? आंसर देंगे, यानी उन लेटर्स का क्या करेंगे? जवाब मुझे देंगे एंड आई विल गेट लेटर्स टू। और फिर जब वो मुझे जवाब देंगे तो इसकी वजह से क्या मिलेंगे? मुझे भी क्या मिलेंगे? लेटर्स मिलेंगे। सो दैट इज योर पोयम। Thank you.